नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतीय स्वदेशी चिकित्सा पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजीव दीक्षित जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय जो आपकी आंखों से चश्मा उतारने में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे और साथ ही कान की समस्याओं को भी दूर कर देंगे। दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे अधिक आकर्षण वाला हिस्सा ही नहीं बल्कि सबसे उपयोगी अंग भी है हमारी आंखें। आंखों का खूबसूरत होना तब तक ही मायने रखता है जब तक आंखों की रोशनी सलामत है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आंखों की इस खूबसूरती के ऊपर लग जाएगा चश्मों का मोटा मोटा फ्रेम और इन्हीं फ्रेम की नजर लग जाएगी आपकी आंखों को। मनुष्य के शरीर में आंखें ही वह अंग है जिसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आंखें वह इंद्रियां होती हैं जिसके कारण ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आंखों पर। अब उनके माँ बाप बहुत परेशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे। मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों, तो मैंने उनको भी सिखा दिया, देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुंह का थूक आंख में लगाओ काजल की तरह। तो बच्चों ने चालू कर दिया। बच्चे बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं, कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते। अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगा। आप भी करके देख लीजिए जिनको भी चश्मे। बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे। उम्र ज्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा, कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाए। आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो मुंह की लार सुबह सुबह की आंखों में लगाइए काजल की तरह। हमारे शरीर की समस्त ज्ञानेंद्रियों में से आंखें सबसे प्रमुख ज्ञानेंद्री है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजीव दीक्षित जी बताए गए ऐसे कुछ अचूक उपाय जो हमारी आंख और कान दोनों को ही स्वस्थ रखने में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। जैसा कि इस वीडियो के अंश में आपने देखा कि राजीव दीक्षित जी ने चश्मे उतारने के लिए और आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए बहुत ही सरल तरीका बताया है जो कि हम घर पर ही कर सकते हैं। इसमें आपका कोई खर्च भी नहीं होगा और लगभग फ्री का ही इलाज है। इस इलाज को खुद भी करें और यदि आपको फायदा हो तो अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को भी यह इलाज जरूर बताएं। आज की इस दुनिया में हम लगातार कई घंटों तक काम करते हैं, कई बार हमारी नींद भी पूरी नहीं होती या हमें मोबाइल कंप्यूटर इत्यादि पे भी बहुत लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, जिसके कारण हम अपनी नजरों को लगातार इन उपकरणों में गड़ाए बैठे रहते हैं और जिसके कारण इन दिनों कम उम्र में ही चश्मे लग जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे कई उपाय हैं जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में और चश्मे का नंबर कम करने में कारगर सिद्ध हैं। इन आयुर्वेदिक उपचारों से चश्मा भी उतर सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ 10 उपाय अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए। जानते हैं पहला उपाय जो कि है आंवला। सूखे आंवले को रात भर पानी में भिगो दें और सुबह इस पानी को छानकर इस पानी से अपनी आंखें धो लें। दूसरा उपाय है त्रिफला। रात को त्रिफला पानी में भिगोकर रख दें और आंवले की ही भांति सुबह उठकर इस पानी को छाने और उससे अपनी आंखें धो लें। तीसरा उपाय है जीरा। जीरे और मिश्री को बराबर मात्रा में पीस लें और इसे रेगुलर 1 चम्मच घी के साथ लें। चौथा उपाय है इलायची। क्या करना है इलायची का? 3 या 4 हरी इलायची को 1 चम्मच सौंफ के साथ पीस लें और इसे 1 ग्लास गरम दूध के साथ रेगुलर लें। पांचवा उपाय है सौंफ। 1 चम्मच सौंफ, 2 बादाम और आधा चम्मच मिश्री को पीस लें। उसे रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध के साथ ले लें। आइए जानते हैं अगला उपाय जो कि है बादाम। रात को 6-7 बादाम पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इन्हें छीलकर खा लें। इससे भी आंखों की रोशनी तेज होती है। दोस्तों, अगला उपाय है देसी घी। देसी घी का क्या करना है? हमें अपनी कनपटी पर देसी घी को हल्के हाथों से रोजाना 5 से 10 मिनट तक मसाज करना है। अगला उपाय है गाजर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गाजर
विटामिन का एक बहुत ही गहरा स्रोत है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है और इसे रेगुलर खाने से या इसका जूस पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगला उपाय है सरसों। रात को सोने से पहले तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करें। दोस्तों आखिरी उपाय है ग्रीन टी। रेगुलर दिन भर में 2 या 3 कप ग्रीन टी पिएं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों को हेल्दी रखते हैं। ये जितने भी उपाय हमने आपको बताए हैं, इन उपाय में से आप एक या एक से अधिक उपाय को एक ही टाइम पर रेगुलर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक उपाय कर रहे हैं तो हम दूसरा नहीं कर सकते, अपितु अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें 2, 3, 4 उपाय को एक ही टाइम पर करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी और उपाय के साथ, राजीव दीक्षित जी द्वारा बताए गए हेल्थ टिप्स और आयुर्वेदिक उपाय। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।